न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा और गुजरात में दूसरे चरण में 14 जिलों की कुल 93 विधानसभा की सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 93 में से बीजेपी को 51 जबकि कांग्रेस को 39 सीटों पर जीत मिली थी और दूसरे चरण के कुल 833 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ही 79 सीटों पर मतदान 1 दिसंबर को हुआ था और पहले चरण में 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। आपको बता दें कि गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 13 अनुसूचित जाति, 27 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और इस बार राज्य की 182 विधानसभा सीट के लिए कुल 1621 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। गौरतलब है कि 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए इस बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियों को संबोधित किया है और पीएम मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए शुक्रवार को अपने प्रचार के समापन के साथ 31 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया और 3 बड़े रोड शो का नेतृत्व भी किया है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है जो कि 29 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि शीतकालीन सत्र के दौरान 23 दिनों में 17 बैठकें होंगी और संसद का ये पहला सत्र जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं उच्च सदन की कार्यवाही करेंगे। संसद का ये सत्र ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा जिसमें 23 दिनों में 17 बैठकें होंगी। अमृतकाल के दौरान विधायी, व्यवसायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं और इसके साथ ही रचनात्मक बहस के लिए तत्पर है। जहां सरकार संसद के आगामी सत्र के दौरान कई विधेयकों को पारित करने की योजना बना रही है और वहीं विपक्ष जरूरी मामलों पर चर्चा की मांग करेगा। सत्र के पहले दिन सदस्यों द्वारा दिवंगत सदस्यों को सम्मान देने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन भी बीते दिनों हुआ था। वो मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद थे। उनके निधन पर भी संसद में श्रद्धांजलि दी जाएगी। खबर गाजीपुर से है जहां करंडा ब्लॉक के दीनापुर ग्राम सभा में ग्राम प्रधान तुलसी बिंद ने आदेश की धज्जियां उड़ाई है। ग्राम प्रधान द्वारा पुराने ईंटों के नींव डाले गए हैं और इस संबंध में सचिव जुनेद खान ने बताया है कि अगर ऐसा है तो भुगतान नहीं किया जाएगा और पुराने ईंट को हटा दिया जाएगा। वही MIJE जितेंद्र यादव ने बताया है कि सब कुछ सही हो रहा है और साफ जाहिर हो रहा है कि JEE की भूमिका संदिग्ध है और इस संबंध में BDO करंडा ब्रजेश कुमार अस्थाना ने बताया है कि जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। दीनापुर में नाली टाइप का निर्माण हो रहा है जिसमें लोग बता रहे हैं कि पाइप डाला जाएगा, उसमें पुराने ईंटों का प्रयोग किया गया है फोड़ने के लिए नीचे। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उसकी अपने टेक्निकल जांच कराऊंगा क्या स्थिति है। और इसी खबर पर हमारे साथ गाजीपुर से संवाददाता मेहताब आलम हमारे से जुड़ चुके हैं। मेहताब, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है करंडा क्षेत्र का है जहाँ पे जो है मतलब नाली पे जो है आपको इंटरलॉकिंग होना था, लेकिन इंटरलॉकिंग के अंदर आप देख सकती हैं किस तरह से जो है वहाँ पे पुराने ईंटों का जो है उपयोग किया जा रहा है जबकि नई ईंटें लगाने का वहाँ पे कार्य करना था। लेकिन यहाँ पर प्रधान और जो सचिव है मिलीजुली भगत किस तरह से देखिए वहाँ पे जो है धांधली चल रहा है कि पुराने ईंटे को जो है नाली के अंदर लगाया जा रहा है। अब आप यही अंदाजा लगा लीजिए कि नाली का कैसे चलेगी, अब देखिए किस तरह की रोटी सकती है। तो कहीं ना कहीं ये घोलमाल का जरूर ये चक्कर है प्रधान और सचिव के बीच में। जी, मेहताब, जैसे प्रधान ग्राम प्रधान ने भी आदेश की धज्जियां उड़ाई है, उन पर क्या कार्रवाई आगे हो सकती है?
हमने जब इस पर जो है निचले हमने जब इससे निचले अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है, इस पर जांच किया जाएगा और जो भी इस तरह का कार्रवाई कर रहा है उसके ऊपर से सब कार्रवाई करके उसको मतलब उससे सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। जी मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। हरदोई में विद्युत कर्मचारियों और अभियंताओं की न्याय संगत समस्याओं के समाधान के लिए हड़ताल लगातार जारी है और यहां अनिश्चितकालीन हड़ताल का चौथा दिन है, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों अधिकारियों का कहना है कि उनकी समस्याओं का निराकरण ना होने पर हड़ताल जारी रहेगी। हरदोई के सभी विद्युत वितरण खंड और उपखंड और केंद्रों पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों की यह हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी है, जिससे सभी जगह कार्य प्रभावित हैं और संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया है कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र नेतृत्व के विचार नहीं किया गया तो विद्युत सप्लाई की प्रभावित हो सकती है। आज हमारे हम लोग सर्किल ऑफिस में इकट्ठा हुए हैं, जो प्रबंधन के जो डाटे गलत डाटे और तानाशाही रवैये से जो अधिक से अधिक काम देकर और कम समय में मांगा जा रहा है, उनका व्यवस्था मांगी जा रही है जो कि किसी भी कर्मचारियों के लिए काम करने में सही वो हो रही है, असफलता हो रही है। और हमारी पुरानी पेंशन इसमें है, कैशलेस चिकित्सा इसमें है और वेतन विसंगतियां जो है हमारे कर्मचारियों को इनको ध्यान में रखा गया है। क्या मांगे आपकी? मेन मांगे यही है जो हमने बताया आपको, वेतन विसंगति, पेंशन, पुरानी पेंशन और प्रबंधन की जो कूटनीति है जो तानाशाही रवैये से काम करा रही है हमसे, उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक, क्या नाम आप? दिनेश सर। हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आज 100 शैशिया संयुक्त चिकित्सा में ओपीडी एक्स रूम मरीजों का पंजीयन और सफाई आदि का सघन निरीक्षण किया है। निरीक्षण में आने वाले मरीजों के पंजीयन सिर्फ रजिस्टर कर किया जाता है और इस पर ही जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि प्रतिदिन इलाज के लिए आने वाले महिला और पुरुष मरीजों का नाम रजिस्टर पर अंकित करने के साथ कंप्यूटर पर रिकॉर्ड रखा जाए ताकि अगली बार आने वाले मरीजों को दोबारा पंजीयन ना कराना पड़े। डीएम को यहां पर निरीक्षण के दौरान ही केवल 4 मरीज मिले, जिस पर आपत्ति जताई और डीएम ने वाटर कूलर से गिरते पानी के संबंध में उन्होंने कहा कि पानी का निकास ठीक कराया ताकि पानी जमा ना हो और चिकित्सालय के परिसर के साथ साथ वार्डों में विशेष सफाई रखी जाए। कुल 4 मरीज भर्ती होने के अलावा चिकित्सालय के समस्त वार्ड खाली मिलने पर अधिकारियों ने चिंता व्यक्त करते हुए उपस्थित चिकित्सकों को निर्देश दिए कि जिला अस्पताल में मरीजों की भारी संख्या को कम करने के लिए गंभीर मरीजों को 100-बेड अस्पताल में शिफ्ट कराएं। उन्होंने कहा कि मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करने के साथ उनके इलाज की उचित देखभाल करें और सभी चिकित्सक और कर्मचारी निर्धारित समय पर तक अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहें। इंस्पेक्शन करने का उद्देश्य ये था कि हॉस्पिटल अच्छे से संचालित हो और दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों से जो गरीब लोग आते हैं उनका इलाज अच्छे से हो सके और यहाँ डॉक्टर्स हैं या नहीं हैं, उनका स्टाफ है या नहीं है, अस्पताल में कोई सुविधा तो नहीं है, इसी को देखने के लिए आए थे। कुछ चीज़ें अच्छी मिली हैं, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी मिली हैं, उसके लिए बताया है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पेशेंट्स नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत कम है। अभी 2 बजे के लगभग मैंने देखा है यहाँ और यहाँ केवल 4 पेशेंट थे, बाकी और कोई पेशेंट नहीं है। अब यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि जिला अस्पताल में काफ़ी भीड़ रहती है और जिला अस्पताल से कुछ ही दूरी पर है ये 100 बेड का हॉस्पिटल और यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है, ये अच्छा नहीं है। वहाँ से कुछ लोगों को यहाँ से यहाँ इलाज बढ़िया से हो सके, इसके लिए हम देखते हैं क्या हो सकता है। योगी आदित्यनाथ के मैनपुरी दौरे को लेकर प्रशासन द्वारा स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी और इसको लेकर वेराम गोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। बोले इनकी मीटिंगों में कोई नहीं आता है और इसलिए जिले भर के स्कूल DIOMS ने पत्र लिखकर बंद कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आते हैं भीड़ की वजह से, लेकिन बच्चों और उनके गार्जियन को बहुत दिक्कत होती है और पूरे जिले में सड़कें जाम हो जाती हैं, इसलिए बच्चे अपने घर से स्कूल नहीं जा पाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि सपा नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनकी गाड़ी छीनी जा रही है।
ये SSP माने सीमा सुरक्षा बल आया है जो, उसको लेकर कल अरविंद MLC के घर पर करहल में 50-100 लोग उस गए जाके, यहाँ राजू के यहाँ गए और वो सारा मीडिया के चैनलों में भी दिखाया है आज। तो ये सब कर रहा है लेकिन लोगों को टेररिज करने के लिए। अब मेंटली के लोग टेररिज होंगे जी, सन 67 से लेके आज तक इनके मन का कोई आदमी कभी हुई नहीं, और 77 से लेके तो केवल 84 में कांग्रेस के बलराम सिंह हो गए थे, वरना कभी समाजवादी पार्टी और हमारी पहली की जो पार्टी थी, चाहे लोकदल रही हो, चाहे जनता पार्टी रही हो, चाहे जनता दल रहा हो, इसके अलावा कोई MP तो हुआ नहीं, न तब हुआ ना आज होगा। समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, और इससे पहले जितने मतों से जीतती थी उससे ज़्यादा मार्जिन होगा डिंपल यादव। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बिजली कर्मी और अभियंताओं का विद्युत उपकेंद्र बिनघा में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार लगातार चौथे दिन भी जारी रहा है, और कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है और कई गांव और कस्बों में कई घंटों से बिजली गुल है। अब बिजली कर्मी कार्यालय में मौजूद कक्षों में ताला लगाकर डालकर ही पूरे दिन विद्युत उपकेंद्र विंदा के परिसर में धरना स्थल पर डटे रहे। कार्य बहिष्कार के चलते उपकेंद्र पर काम आज पूरी तरह से ठप रहा, और वहीं बिजली उपभोक्ता अपने कार्य के सिलसिले में उपकेंद्र आने वाले लोग मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है और बिजली बिल भी नहीं जमा हो सका है। आपकी क्यों धरना दे रहे हैं? हम लोग की 15 सूत्री मांगे जो है, उसमें जो है मांग ये है कि सबसे बड़ी मांग ये है कि विद्युत सप्लाई 24 सारे कर्मचारी 24/7 का जो एम्प्लॉय है, यहाँ आप देखते हैं कि शिफ्टवार भी सुविधा कोई नहीं है। एक ही अगर संविदा कर्मचारी है उससे दिन में भी काम लिया था, आप भी हर उपभोक्ता अगर सप्लाई बाधित हो जाते हैं तो परेशान हो जाता है। इसी को देखते हुए हम लोग जो व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, ताकि जो है एक श्रम कानून जो है व्यवस्था, उस व्यवस्था को लागू करके व्यवस्था दिया जाए और काम लिया जाए। काम करने से पीछे कोई नहीं हटता है संविदा कर्मचारी, एक व्यवस्था के तहत काम लिया जाए। मांगे हमारी 15 सूत्री मांग है, जिसमें प्रमुख मांग ये है कि शीर्ष प्रबंधन चेयरमैन महोदय की स्वेच्छाचारी रवैया, नियम श्रम नियमों का उल्लंघन करके बेनियम कार्य पद्धति बनाकर लोगों को दबाव डालकर कार्य कराए जाने की पद्धति हमारी पहली मांग है, जिसमें हमारे विभाग में एक अच्छे कार्य का माहौल बने, लोग अच्छे कार्य माहौल में काम करें, क्योंकि बिजली का काम कोई खिलवाड़ का काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है, लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करते हैं। इसी संबंध में और अन्य मांगे हैं कि हम लोगों के बिजली कर्मियों को हम लोग छेड़ जाते हैं, तरह तरह की जनता मिलती है। बुलंदशहर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने अपना शिवम अग्रवाल नाम बता युवती को प्रेम जाल में फंसाकर साल 2016 में शादी की थी, और युवती का आरोप है कि युवक ने रेस्टोरेंट में ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाया, साथ ही उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, और साथ ही युवक का आरोप है कि युवक उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता था, और शादी के बाद युवती को पता चला कि युवक का नाम महताब है और युवती की करीब 3.5 साल की बेटी है, और अब पीड़ित युवती ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने बताया है कि शादी दोनों की मंजूरी से हुई है। वो मेरे से कॉलेज में मिला, कॉलेज में मिलने के बाद उसने अपना नाम शिवम बताया, मैं शिवम अग्रवाल हूँ। उसने धीरे धीरे मुझसे मुलाकात की, वो मुझे फिर एक रेस्टोरेंट में ले गया, वहाँ ले जाने के बाद बोला कि क्या कहते हैं कुछ खिलाते हैं, फिर खिलाने के बाद उसने नशीला पदार्थ खिलाकर मुझे रूम में ले गया, वहाँ मेरी वीडियो बनाई। तो युवती ने इस तरह का एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है, पर हमारी जांच में ये प्रकाश में आया है कि इस युवती ने और जिस पे उसने आरोप लगाया, उन दोनों ने आपसी सहमति से सन 2016 में शादी की थी। इस शादी से उनके एक 3.5 साल की बच्ची भी है, और पिछले एक महीने से इन दोनों में आर्थिक समस्या को लेकर थोड़ा विवाद चल रहा था। उसी विवाद के चलते लड़की ने ये कतिपय आरोप लगाए हैं। इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है, और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। बुलंदशहर में दिन दहाड़े अवैध खनन चल रहा है, और सूचना मिलने पर मौके पर SDM सदर रेणु सिंह और CO सिटी बुलंदशहर अनुकृति शर्मा पहुंची, और मौके पर से दो
जेसीबी और 3 डंपर जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर के थाना क्षेत्र शिकारपुर रोड पर मौजूद गांव मिर्जापुर के खेतों में दिन दहाड़े अवैध खनन को अंजाम दिया गया है और अवैध खनन बिना परमिशन के खुलेआम चल रहा था। और वहीं एसडीएम सदर रेणु सिंह ने बताया है कि शामिल दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ये अवैध खनन की सूचना आई थी हमें, इस तो मौके पर पहुंचने में पता चला कि 2 जेसीबी हैं और 3 डंपर हैं। दिन दहाड़े यहाँ खनन चल रहा था तो इन 5 गाड़ियों को जब्त किया है और अब विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैम आखिर दिन दहाड़े खनन चल रहा था, किसी की सेफर ये चल रहा था कुछ? अब ये सब विवेचना का विषय है, पर दिन दहाड़े अगर इतनी हिम्मत आई है तो इसमें और लोग भी अभियुक्त होंगे, तो जो भी इसके दोषी हैं। फरुखाबाद फतेहगढ़ में स्पार्की कंपनी के क्वालिटी इंस्पेक्टर सुभाष ठाकुर ने छापेमारी की है और जहां पर लाखों रुपए की कीमत की ही स्पार्की कंपनी पर नकली माल जब्त कर 2 व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर फतेहगढ़ कोतवाली में दर्ज कराई है। आपको बताते चले कि फतेहगढ़ के वेस्टर्न प्लाजा में ही चंदन गारमेंट्स पर छापा। वेस्टर्न प्लाजा पर 50% माल नकली मिला है और जबकि चंदन गारमेंट्स पर टोटल माल नकली मिला है और सभी माल जब्त कर कोतवाली फतेहगढ़ भेज दिया गया है। मैं 2006 से स्पार्की कंपनी में इस पद पर काम कर रहा हूं और काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि फरुखाबाद फतेहगढ़ में स्पार्की कंपनी का डुप्लीकेट माल बिक रहा है। इसकी सूचना पाकर मेरे लड़के एक हफ्ते से नकली ग्राहक बनकर मार्केट में घूम रहे हैं और 2 दुकानों पर आज हमने फतेहगढ़ कोतवाली इंस्पेक्टर साहब के सहयोग से 2 दुकानों पर हमने रेड किया है, जो दोनों दुकानों पर रेड भरपूर हुआ है। पहली दुकान है वेस्टर्न प्लाजा और दूसरी दुकान है चंदन गारमेंट। वेस्टर्न प्लाजा से भी हमें कुछ पीस बरामद हुए हैं और वेस्टर्न प्लाजा से हमें मिले हैं 32 जीन्स मिली हैं और 40 शर्ट नकली मिली हैं। वेस्टर्न प्लाजा पर नकली और असली दोनों तरह का माल बेचा जा रहा था। जो असली माल था उसको हमने छोड़ दिया है और जो नकली माल है उसको हमने जब्त कर लिया है और जब्त करके थाने में ले आए हैं। यहाँ पर उधर चंदन पर टोटली नकली माल था, जो ये लोग असली नकली को असली में करके फतेहगढ़ फरुखाबाद की जनता को धोखा दे रहे थे। और इसी खबर पर हमारे साथ फतेहगढ़ से संवाददाता आदेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश, पूरा मामला क्या है? देखिए मैं बता दूं, सुबह सागर क्वालिटी इंस्पेक्टर ने एकदम सुबह जो है एक कपड़ा कंपनी क्वालिटी ने जो है तो छापेमारी कार्रवाई की है। बड़ी काफी लंबे समय से ये जो है यहाँ डुप्लीकेट माल बेचा जा रहा है, जिस तरीके से सूचना मिलने पर उसके बाद से छापेमारी की है। वहाँ बड़ी संख्या में माल को जब्त किया है, जब्त करने के बाद कोतवाली में लाए हैं, उसके बाद तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि कार्रवाई कब तक पुलिस करती है या नहीं। जी आदेश, किस तरह का सूचना इसमें मिला था, गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है? देखिए मैं बता दूं, किसी मुखबिर की सूचना पर इनको इंस्पेक्टर को जानकारी मिली थी कि यहाँ काफी क्वालिटी का माल जो है डुप्लीकेट भेजा जा रहा है, जिस तरीके से इस पर छापा मारा, लाखों रुपए का कीमती स्पार्की कंपनी का नकली माल जब्त कर 2 व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर फतेहगढ़ कोतवाली में दर्ज कराई गई है। जी अब देखना होगा कि कब तक इन दोनों व्यापारियों को गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। जी कितने लोगों को इसमें अभी वहाँ से मौके से मिले हुए हैं आदेश? देखिए मैं बता दूं कि दो लोग मौके पर दो दुकानों पर छापा मारा गया था, जहाँ डुप्लीकेट माल बेचा जा रहा था वहीं से 2 लोगों के खिलाफ फायर की हुई है। अब पुलिस उनको कब तक गिरफ्तार करती है देखने वाली बात होगी। जी आदेश, अभी तक कितना सामान यहाँ से जब्त कर लिया गया? देखिए मैं बता दूं, लाखों रुपए का कीमती इस्पाकी कंपनी का नकली माल जब्त कर, जिससे माल नकली मिला है 50% वेस्टर्न प्लाजा पर और चंदन गारमेंट पर टोटल माल नकली मिला है। सभी माल जब्त कर कोतवाली फतेहगढ़ भेजा गया है, जिसमें पिछले हफ्ते स्कॉर्पियो कंपनी के 2 बंदे ग्राहक बनकर दुकानों पर पड़ताल कर रहे थे। जी जी आदेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
सहारनपुर में ऊर्जा निगम कर्मचारियों की हट धर्मिता के चलते ही जनता में त्राहिमाम मचा है और देवबंद में 8 घंटे से विद्युत आपूर्ति बाधित है और अब तो नगरवासियों के घरों में रखे पानी के टैंक भी खाली हो गए हैं। लोग पानी पीने तक को ही मोहताज हो गए हैं और वहीं गुस्साई नगर के लोगों का ऊर्जा निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है और वहीं सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ नजर आया और जिसके कारण पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। वहीं ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने फोन स्विच ऑफ कर रखा है। तो सहारनपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर ऊर्जा निगम कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि देवबंद में 8 घंटे तक बिजली ठप रही है। सहारनपुर में ऊर्जा निगम कर्मचारियों की हठ धर्मिता के चलते जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देवबंद में कम से कम 8 घंटे से विद्युत आपूर्ति जो है वो बाधित है और अब तो नगरवासियों के घरों में रखे पानी के टैंक भी खाली हुई नजर आ रहे हैं, जिसके कारण लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लोग पानी पीने तक को मोहताज होते जा रहे हैं। वहीं गुस्साई नगर के लोगों का ऊर्जा निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी सामने आया है। बता दें आपको कि रात के अंधेरे में लाइटें भी नहीं हैं, जिसके कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है और जिसके कारण पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नज़र आ रही है। वहीं ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने अब फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिए हैं। मथुरा के थाना मांट क्षेत्र के अंतर्गत बीती देर रात को ही मांट ब्रांच गंग नहर पर सेल्समैन के साथ तमंचे के बल पर बाइक सवार बदमाशों ने 63,000 रुपये की लूटपाट कर ली है और जिसकी सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है। और बता दें आपको कि बार महासी पर मौजूद अंग्रेजी शराब और देशी शराब के ठेके पर ग्राम पंचायत जाबरा के मजरा मत्था निवासी सतीश उर्फ सतेंद्र पुत्र बच्चू सिंह सेल्समैन का कार्य करता है और रात्रि को जब सेल्समैन शराब के ठेके से अपने गांव के लिए लौट रहा था तभी मांट ब्रांच गंग नहर पर अरवा बगीची के पास पीछे से बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर शराब की बिक्री के 63,000 रुपये लूट लिए और दुकान की चाबी और बाइक की चाबी को छीन कर ले गए। सूचना मिलते ही मांट पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मांट थाना प्रभारी निरीक्षक ललित भाटी ने बताया है कि मामले में सेल्समैन सतीश की तहरीर पर लूट की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, लेकिन लूट की घटना संदिग्ध लग रही है क्योंकि PRV को 1,00,000 रुपये लूट होने की सूचना दी थी जबकि थाने पर 63,000 रुपये की तहरीर दी है। मैं कैसे लेके जा रहा था, जेल में 3 बदमाश आए पीछे से, उन्होंने भी मोटरसाइकिल को घुमाकर तमंचा धर के और पैसा ले गए। तो तमंचा लगाया था? हाँ जी। तो कितने रुपए ले गए? 63,000 रुपये। अच्छा, 3 लोग आए थे पीछे, बदमाश थे वो? हाँ। तो बाइक पे आए थे कैसे? बाइक पे। तो तमंचा लगा के 63,000 रुपये लूट कर ले गए। हाँ जी। तो 63,000 तुम कहाँ से लेके जा रहे थे? ठेका से। शराब का सेल्स मैन हुआ? हाँ जी। कौन सी जगह है ठेका? बारोमा से। पुलिस क्या कर रही है? बुला रही है। हाँ। की वारदात का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शराब सेल्समैन के साथ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताते चले आपको कि मथुरा से खबर है जहां पर मथुरा के थाना मांट क्षेत्र के अंतर्गत बीती देर रात को ही मांट ब्रांच गंग नहर पर सेल्समैन के साथ तमंचे के बल पर बाइक सवार बदमाशों ने 63,000 रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया है और जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है। बता दें कि बारमहासी पर मौजूद अंग्रेजी शराब और देशी शराब के ठेके पर ग्राम पंचायत जाबरा के मजरा मत्था निवासी सतीश उर्फ सतेंद्र पुत्र बच्चू सिंह सेल्समैन का कार्य करता है और रात्रि को जब सेल्समैन शराब ठेके से अपने गांव के लिए लौट रहा था तभी इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा के चौकी बहादुर के समीप एक 32 वर्षीय यात्री की स्थानीय होटल में बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत हो गई है। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस इलाका पुलिस छानबीन में जुट गई है, जहां होटल संचालक ने जानकारी देते हुए बताया है कि यात्री 25 नवम्बर को महाराष्ट्र से मथुरा में बिजनेस करने के लिए आया था और तभी से वो होटल में रह रहा था और देर रात वो अपने होटल होकर ही कमरे में गया और सुबह होटल का कर्मचारी ने जब गेट खटखटाया तो दरवाज़ा नहीं खुला। जब खिड़की से झांक कर देखा गया तो उसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी और घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक की पहचान महाराष्ट्र निवासी बलराम के रूप में हुई है और पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। तो मथुरा से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर होटल में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि युवक का शव मिला है और जिसके बाद इलाके में सनसनी बताई जा रही है। बता दें कि मथुरा के चौकी बहादुर के समीप एक 32 वर्षीय यात्री की स्थानीय होटल में बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत हो गई है और घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है, जहां होटल संचालक ने जानकारी देते हुए बताया है कि यात्री 25 नवंबर को महाराष्ट्र से मथुरा में बिजनेस करने के लिए आया था और तभी वो होटल में रह रहा था। देर रात वो अपने होटल होकर ही कमरे में गया और सुबह होटल का कर्मचारी ने जब गेट खटखटाया तो दरवाज़ा नहीं खुला। जब खिड़की से झाँक कर देखा गया तो उसकी बेड पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी और घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया है। मृतक की पहचान महाराष्ट्र निवासी बलराम के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।